वो ब्लर है बहुत। किसी को नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है सर, दिख दिख रहा है रहा सर। है। हेलो। अरे जिसको चाहिए उसको दिखना जरूरी है ना भाई। सर हाँ सर, थोड़ा थोड़ा अभी क्लियर दिख रहा है। हाँ स्टेप्स देख ले फटाफट, क्या गड़बड़ हुई तेरी? सर, हाँ सर समझ गया। वो पहले स्टेप में मैंने वो ब्रैकेट में माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर ले लिया था। समझा अभी? वेलकम हाँ यस सर, थैंक यू सर। बच्चा। ओके और कोई कुछ? सर क्वेश्चन 2 का 9, क्वेश्चन 2 9 क्वेश्चन सर हो गया। टू में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का 9। ए प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6ab। अच्छा उसको मैंने बोला था बहुत प्यार से, इसको ध्यान से देखो ठीक सर है। हो गया सर, हो गया सर, इफ यू सी हो गया दैट सर, एलएचएस, जिसका नहीं आया, जिसका नहीं आया उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट वरी। सो इन एलएचएस फर्स्ट एक्सपांड ए प्लस बी द होल स्क्वायर, यू विल गेट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली एक्सपांड सेकेंड एंड थर्ड ब्रैकेट, जो 2ab वाला टर्म है, 2ab वाला टर्म है वो सब एक तरफ ले लो। ए स्क्वायर वाला सारा टर्म अलग करो, बी स्क्वायर वाला सारा टर्म अलग करो, ठीक यस बराबर ना? यस उसके बाद यस जब ए स्क्वायर वाला सारा टर्म अलग करोगे, उसमें से ए स्क्वायर कॉमन लो, रिमेनिंग जो टर्म आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा, दैट विल बी 0। सिमिलरली बी स्क्वायर वाला जो टर्म आएगा उसको अलग ले लो, तीनों अलग आएगा टर्म, बी स्क्वायर उसमें से कॉमन लो, वहां पे अभी आपको मिलेगा इन ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज 0। So the answer will be 2ab plus 2ab plus 2ab, that is 6ab। यस सम इजी है, अगर आप अच्छे से यस एक्सपांड करके ध्यान दिए होते तो आता। सम इजी है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ए स्क्वायर वाले सारे टर्म एक तरफ कर देना, बी स्क्वायर वाले एक टर्म कर देना और 2ab वाले एक तरफ कर देना, तीनों अलग अलग करके देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा। राइट सर, हाँ बोलो। सर आप वो जो फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो उसमें आपने बोला था कि दो वैल्यू मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा रहा तो फिर उधर -1 लिख सकते, तो अगर सिर्फ ओमेगा स्क्वायर की जगह हमको बाकी के दो सब्स्टिट्यूट करने तो वैसे कर सकते क्या? हाँ कुछ भी हो सकता है। देख मैं जो बोला वो मैंने बोला थोड़ा ध्यान दे, अदरवाइज तूने अगर ध्यान दिया रहेगा, लास्ट लेक्चर में एक पॉइंट था जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने ऐसे भी सॉल्व किया था कि डायरेक्टली तीनों को एक साथ में लेके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करके 0 भी किया था, कोई तो सम था ऐसा, किसने हाँ सॉल्व किया था जहाँ तक मुझे याद है। तो मैं ही था वो। हाँ तो क्यों नहीं कर सकते, चलेगा। सी आपको उसी में से मतलब थोड़ा सा जो आपको कंफर्टेबली, सी मैथमेटिकली आप रॉन्ग मत करो, बाकी आप क्या कर रहे हो वो डिपेंड करें करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका अपना अपना मेथड हो सकता है, हाँ मैथमेटिकली रॉन्ग मत करना बस, थैंक यू ठीक। सर। हाँ वेलकम। और कोई है कुछ डाउट्स? क्वेश्चन 3rd का 5th, थर्ड का फिफ्थ कौन बोला, कौन बोल रहा है? विराज कामड़े साहेब, काय झालं फिफ्थ मध्ये बगरे बाबा? हेलो हाँ देख रहा हूँ सर। स्क्रीन वर फिफ्थ समय बग। In place of omega raised to 4, I have written omega, and omega raised to 8, I have written omega square. Okay, in first step. Then in second step, I have substituted the values. After multiplication, you will get omega raised to 6. That is nothing but omega cubed square is 1. थैंक यू सर। Welcome. और कोई कुछ? नो
अच्छा अभी एक दो पॉइंट पे मुझे बात करनी है. फर्स्ट थिंग कि ठीक है, इसमें कुछ सेवन सम्स हैं, मैं इसको सॉल्व करूंगा आज. सेवन नहीं, ए वन टू थ्री फोर, पांच ही सम है, यहाँ पे नंबरिंग गलत किया. So the question is exactly find the value of. आप अगर देखोगे तो बोलोगे सर बहुत सम इजी है, तो फिर see what is the question. The question is to find the value of x cube minus x square plus x plus 46. If x is 2 plus 3i, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इस टाइप के सम्स में? दिख रहा है सम, दिख रहा है जो मैंने लिखा है? Yes. हाँ, तो मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है. टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x प्लस 46 इफ x इज 2 प्लस 3i. क्या लगता है क्या करना चाहिए? लेकिन जरा सोच के देखो, सोच के देखो, सोच के देखो, ये हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 3, तो आपको लगता है कि सब्स्टिट्यूट करके हम लोग कर लेते हैं. व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज सपोज लेट्स से 5 6 7 देन व्हाट यू विल डू? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो. यस यस सर, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? कि अगर x का पावर 3 है तो ठीक है कि आप कर पा रहे हो. पर आप म्यूट हो गए. हेलो हेलो, आप म्यूट हो गए थे. ओके 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 ओके, ठीक है. सो इसलिए इस टाइप के सम्स को सॉल्व करने का तरीका अलग है, ठीक है, क्योंकि मैंने रीजन दे दिया है आपको. अगर ज्यादा पावर आएगा तो प्रॉब्लम होगा. यहाँ तो क्यूब है तो आपको लगता है मैं कर लूंगा, लेकिन जब पावर ज्यादा बड़ा होगा तो फिर ये मेथड जो है आपका वो गड़बड़ करेगा. सो द ऑप्शन इज व्हाट, आपका बहुत प्यारा मेथड इसमें यूज होने वाला है, आपका बहुत फेवरेट मेथड. क्या करना है देखो, इन दिस टाइप ऑफ सम फर्स्ट एम विल बी फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स ट्राई टू रिमूव दैट आई. जो एक्स इक्वल टू 2 + 3i दिया है, सबसे पहले आई को रिमूव करना है. नाउ यू टेल मी हाउ टू रिमूव दैट आई, कैसे पॉसिबल है ये? X minus 2, उसके बाद square करने का. Multiply by 2 minus 3i. Squaring. नहीं, multiply करके नहीं होगा, या direct square करके भी नहीं होगा. सोच के देखो, सारा ने सही बोली. हाँ. पहले 2 को shift कर दो, जिस भी term में i है, see, listen carefully, जिस भी term में i है, उसको अकेला कर दो. बाकी सारे value shift करो. And now squaring both sides. So it will be now x minus 2 the whole square equals to 3i ka square. That is x square minus 4x plus 4 equals to 9i square. Now i square value is minus 1. So x square minus 4x plus 4 equals to minus 9. That is nothing but x square minus 4x plus
9 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4 प्लस 9 13 इक्वल्स टू 0. दिस इज नाउ इक्वेशन नंबर 1. पॉइंट समझा कुछ? यस. हाँ, तो जिसने भी ये लॉजिक दिया था कि नाउ टू मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 आए, नहीं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. क्योंकि एक बात समझो, मैथमेटिकली आप जिसने भी बोला था, ध्यान से सुनना, अब बाकी लोगों के लिए भी है, मैथमेटिकली क्या बोला जाता है, अगर आप किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम वैल्यू से डिवाइड भी करो, क्योंकि आपका इक्वेशन बैलेंस्ड होना चाहिए. कुछ अगर ऐड करते हो तो सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी करो. समझ में आ रहा है मेरी बात? यस. सो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, या 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 2 ऐड कर रहे हो तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करो, या 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 2 ऐड भी करो. इक्वेशन को बैलेंस्ड रखने के लिए ये करना पड़ता है. ठीक, ये चीज ध्यान देना है. तो इसलिए वो थ्योरी नहीं चलेगा. और डायरेक्टली स्क्वायर करते तो भी नहीं जाता, डायरेक्टली स्क्वायर करोगे तो 2ab टर्म में वापस i आ जाएगा. इसलिए द बेस्ट ऑप्शन इज जो भी जिस टर्म में i नहीं है उसको शिफ्ट करो एंड देन स्क्वायर करो. देखो i गायब हो गया. ठीक है? Yes. अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपका सबसे फेवरेट मेथड यूज होगा. याद करो मुझे क्या चाहिए, मुझे इसका वैल्यू चाहिए, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, राइट? Yes. इसका वैल्यू चाहिए हमें. तो इसको सॉल्व करने के लिए मेथड क्या मालूम है, इस टर्म में, ये पॉलिनोमियल में आप इससे डिवाइड करोगे. ठीक है, कैसे? ये मेथड किसी को याद होगा, आपका बहुत फेवरेट था, आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में था. सिंथेटिक नहीं ले रहा हूं मैं. याद है किसी को? यस. का बहुत फेवरेट मेथड था डिवीजन का. यस सर. हाँ, सो डिवीजन के रूल के हिसाब से क्या बोला जा रहा था, ध्यान दो, हम लोग हमेशा फर्स्ट टर्म पे फोकस करते हैं इस टाइप के डिवीजन में. हियर वी हैव एक्स स्क्वायर, हियर वी हैव एक्स क्यूब, सो वी नीड एक्स क्यूब. तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय एक्स. ध्यान देना, कुछ लोगों को अगर याद नहीं होगा तो गड़बड़ होने वाला है. x into x square is x cube, x into minus 4x is minus 4x square, and x into 13 is 13x. याद करो, साइन चेंज करते थे हम लोग, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, है ना? Yes. Now x cube minus x cube cancelled, minus x square plus 4x square is 3x square. प्लस x माइनस 13x माइनस 12x प्लस 4 46, ये मिला. अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ मेरा 3x स्क्वायर है, सो नीड प्लस 3, तो आपको मिलेगा 3x स्क्वायर, 3 इंटू माइनस 4x माइनस 12x, 3 इंटू 13 इज माइनस प्लस 39. फिर से साइन चेंज होगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कैंसल्ड, माइनस 12x प्लस 12x कैंसल्ड, 46 minus 39 is 7. किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो प्लीज, ये सब लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ है. हेलो सर, बहुत ब्लर दिख रहे. यस सर. हाँ, अब अभी भी ब्लर है. नहीं है क्लियर? नो नो. यही बड़ा प्रॉब्लम है ना, नेटवर्क कब क्या करता है समझ में नहीं. बिल्कुल क्लियर नहीं आ रहा है? नो. हाँ, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, दिख रहा है. तो ध्यान से सारे स्टेप्स को देखो जरा. किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो. अभी तक कंप्लीटली सम सॉल्व नहीं हुआ है, ये ध्यान देना. ये एक सिर्फ पार्ट था उस सम का, अभी फाइनल आंसर फाइंड करना बाकी है.
सर म्यूट हो गए। आया क्या? यस सर। समझा सबको क्या हुआ है? यस सर। मैं वापस बोल रहा हूँ, ये आपका आई थिंक 7th या 8th स्टैंडर्ड फर्स्ट टाइम आपने ये पढ़ा था। यस। सो आफ्टर दिस डू यू रिमेम्बर दैट फॉर्मूला, एक फॉर्मूला था इसके बाद क्वेश्चन इज इक्वल टू एक फॉर्मूला यूज करते थे याद है? क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, बराबर है? यस। ये फॉर्मूला था डिविडेंड मतलब की वैल्यू करने की, दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्वायर प्लस एक्स प्लस 46। दिस इज योर डिविडेंड। डिवाइज आया था अपना एक्वायर माइनस 4 प्लस 13। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर आवाज क्लियर नहीं है। प्लस 3 प्लस हेलो। यस सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। हेलो, द पॉइंट इज एज पर आवर फार्मूला डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड की वैल्यू मैंने देखो मैंने क्या लिखा, डिविडेंड मतलब x³ - x² + x + 46 equals to divisor x square minus 4x plus 13 into quotient is x plus 3, remainder is 7. ये बराबर है? Yes sir. Yes. कितना दिख रहा है? Yes sir. अच्छा अब देखो ये जो आपका divisor है x square minus 4x plus 13, x square minus 4x plus 13, इसकी value हमने पहले ही find किया हुआ है। Equation number 1 देखो ध्यान से। Zero. बराबर ना? यस। उसकी वैल्यू जीरो है, तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो लूंगा, जीरो इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, दैट इज जीरो प्लस रिमाइंडर, दैट इज फाइनल आंसर विल बी 7। देखो इससे ये एक चीज पॉइंट आपको मालूम पड़ता है कि इन ईच एंड एवरी सम योर फाइनल आंसर विल बी दैट रिमाइंडर। जो भी रिमाइंडर आने वाला है वही फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइजर है वो हमेशा इस टर्म को जीरो कर देगा। करेक्ट? yes. ना yes. Yes. मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, इम्पोर्टेंट सम ले रहा हूँ जो कि बहुत फेवरेट है एग्जामिनर्स का। इसका थर्ड है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 इफ एक्स इज 5 अपॉन 1 माइनस 2y। x is 5 upon 1 minus 2y, ठीक? yes. जैसे पहले हमने बहुत क्लियर किया था, सबसे पहले मेरा काम रहेगा i को हटाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे i डिनोमिनेटर में है, तो कंजुगेट करना पड़ेगा। कंजुगेट। यस। yes. 1 plus 2y upon 1 plus 2y, so this is now 5 into 1 plus 2y upon 1 square minus 4i square, a minus b into a plus b formula. Yes. That is 5 into 1 plus 2y upon 1 plus i square hai, plus 4. So 5 1 plus 2y upon 5. 5 cancelled. So now yes. we have x equals to 1 plus 2y. Same usi method se x minus 1. 1 ko transfer kiya into equals to 2y. Now on squaring both sides. स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू फोर आई स्क्वायर। आई स्क्वायर इज माइनस वन, सो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू माइनस फोर। माइनस फोर, दैट इज फाइनली नाउ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू जीरो। तो ये आपका डिवाइजर मिल गया। वापस डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव, करेक्ट? यस। डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22, डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फाइव। एक्स क्यूब है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अगेन एक्स एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स, साइन चेंज होगा।
ये कैंसिल हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस 22. अब यहाँ थ्री एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो प्लस थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 15. वापस साइन चेंज होगा, ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, आपको मिला वापस यहाँ पे सेवन मिल गया, वापस इस समय भी सेवन मिल गया. फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. रिमाइंडर डिविडेंड इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 22 इक्वल्स टू डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इनटू क्वेश्चन इज एक्स प्लस 3 प्लस रिमाइंडर इज 7. From equation 1, this is 0. 0 into anything is 0. Plus 7. Zero. Answer is 7. 7. समझ में आया कुछ? Yes, sir. Yes, sir. इस टाइप के हर सम्स में यही गेम खेलना है. थोड़ा संभालना भी पड़ेगा. ये इसमें लकीली दोनों बार 7 आंसर मिला है. इसका मतलब सब लोग ये मत सोचना कि हर सम में आंसर 7 ही आने वाला है. ठीक? Yes, sir. Yes. Yes. थोड़ा सा मुझे बहुत लोग कंफ्यूज लग रहे हैं इस समय, पता नहीं क्यों थोड़ा गड़बड़ लग रहा है. आप लोग रिमेनिंग सम सॉल्व करोगे तो अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. Yes. ठीक है, मैं होमवर्क का लिस्ट, अच्छा सबके पास अभी पीडीएफ तो होगा ही ना? हाँ